हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप सो अभी हम आ चुके हैं एन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे कि आप सभी को अभी पता है कि एन ने अपनी एप्लीकेशन डेट रिलीज कर दी है सो इट इज़ फ्रॉम नाइनटीन फेबर टिल टेंथ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सो दो हज़ार चौबीस दो हज़ार पच्चीस एडमिशन सेशन शुरू हो चुके हैं सो so, दस तारीख तक दस मई तक आप फॉर्म फ़िल कर सकते हैं उसके बाद आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो फिफ्टीन सिक्सटीन जून होगा तो so, एक टेंटेटिव डेट आप आपको ऑलरेडी मिल चुकी है सो so, मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स भी ना डिस्कस किए थे सेपरेट वीडियो में सो so, इसके लिए आपको क्या करना है सारे रिमाइंडर्स लगा लेने हैं सबके पास अपना फ़ोन है आपको सारे इंपॉर्टेंट डेट्स के रिमाइंडर लगा लेने हैं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस ना करो इसके अलावा आप क्या आप कर सकते हो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो बेल बटन को क्लिक कर सकते हो तो उससे भी आप कोई भी नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे क्योंकि मैं आप सभी को इन्फॉर्म करती रहूँगी अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है ठीक है रहने के लिए तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं बट स्टूडेंट्स कभी कभी हड़बड़ी में फॉर्म फिल करते हैं कभी ध्यान कहीं और रहता है एंड वो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं एंड अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है क्योंकि आप एक सिमिलर फॉर्म को दो बार फिल नहीं कर सकते फिर आप ये एग्ज़ाम देने से रह जाओगे तो इसी वजह से आज की वीडियो एकदम ध्यान से आपको देखनी है और बिल्कुल लास्ट तक देखनी है क्योंकि एन ने भी स्टेप बाई स्टेप गाइडलाइन रिलीज करी है ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए और वो किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक्स फॉर्म फिलिंग के टाइम में एटलीस्ट ना करें ठीक है? So, है? है. है, है तो जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं पोस्टर आ जाता है तो हम क्या करेंगे इसको कैंसिल करेंगे और जैसे ही आप एडमिशन ओपन पे क्लिक करोगे एडमिशन ओपन पे क्लिक करने के बाद एडमिशन फॉर अकेडमिक ईयर टू टू 24, 25, आपको देखने को मिलेगा एंड सबसे पहला देखो पे स्टेप स्टेप बाय गाइड फॉर एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ है जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी तो यह पीडीएफ मैंने डिफरेंट टैब में ऑलरेडी ओपन करके रखी थी ठीक है सो so, जैसे आप वो क्लिक करोगे एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी ये पी डी एफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो ठीक है और ध्यान से देखना कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है ठीक है प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स आपको ये बताया गया है आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एडमिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी 1995 स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल कर सकते हो किसी भी तरीके का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल नहीं करना है ना ये है समराइज स्टेप सो समरी यहाँ पे बताई गई है कि हाउ टू रजिस्टर हाउ टू अप्लाई ठीक है समराइज स्टेप फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन द एडमिशन पोर्टल एंड मैनुअल फॉर द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखो ध्यान से ठीक है यहाँ पे क्या लिखा है एडमिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एडमिशन फॉर्म मैनुअल तो ये आपका फॉर्म मैनुअल है जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है यहाँ पे आपको दिख रहा है एक यू आर एल ये ब्लू है मतलब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उस वेबसाइट पे जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो ठीक है सो हिट द यूआरएल इस यूआरएल को आपको क्लिक करना है एंड देन फिर क्या ओपन होगा क्लिक द रजिस्टर बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे इस ब्लू लिंक पे आप रजिस्ट्रेशन टैब में चले जाओगे और फिर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा देखेंगे कि किस तरीके से आप रजिस्टर करते हो ठीक है अपने ब्राउजर में ये ओपन करना है देन यू हैव टू रजिस्टर आपको अपना फुल नेम डालना है यू हैव टू सेलेक्ट योर कंट्री फटाफट से साम्री देख लेते हैं ठीक है एंड देन डिटेल में तो समझ नहीं पाए हैं डाउन मेन्यू आएगा उसमें आपको कंट्री सेलेक्ट करना है एंटर ई मेल एड्रेस आपको ओ के थ्रू वेरीफाई करना है अपने ईमेल एड्रेस को और आप हमेशा जब कभी भी लाइफ में कोई भी फॉर्म फिल करो अपना ईमेल एड्रेस एकदम सही डालना अपना फ़ोन नंबर जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपको यूज़ करना है वहाँ पे डालना है क्योंकि जो न्यू अपडेट्स है ना कभी कभी आपको मेल के थ्रू आ जाते हैं कभी कभी आपको आपके फ़ोन नंबर पर आ जाते हैं तो इस वजह से आपको आपके चालू कंडीशन के ई एड्रेसेस और फ़ोन नंबर देने होते हैं फिर सिक्स पॉइंट क्या है एंटर द मोबाइल नंबर एंड क्लिक सेंड ओ टी पी टू वेरीफाई फिर आपको आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा ठीक है इसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है जिस पर तरीके से आप सेट करना चाहो एक अपर केस एक लोअर केस इस तरीके से लेटर्स मिक्स करके आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है देन आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन एंड विल बी

ठीक है चलो अब देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है यू हैव टू गो टू द एडमिशन वेबसाइट यहाँ पे फिर से ब्लू लिंक की एडमिशन वेबसाइट है सो so आपको इसमें क्लिक करना है एंड आपको ऐसा पेज ओपन होके मिलेगा ठीक है यहाँ पे आपको आपका नेम कंट्री ईमेल एड्रेस ईमेल ओटीपी आपको यहाँ पे लगाना है मोबाइल नंबर डालना है मोबाइल ओटीपी आपको यहाँ पे लगाना है आपको पासवर्ड सेट करना है आपको स्टेट फिल करना है एंड आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके यू हैव टू रजिस्टर रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है फिर क्या करना होगा जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे फिल द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड क्लिक द रजिस्ट्रेशन बटन ये हमारा सेकेंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन बटन हिट करना है एंड जैसे ही आप रजिस्टर करोगे लॉग इन इन पोर्टल थ्रू यूज़र नेम ई मेल एंड पासवर्ड विच वॉज एंटर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सो आपको अपना ई मेल एड्रेस और जो पासवर्ड अभी, अभी अभी आपने सेट करा था वो लगाना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दी लॉग इन ठीक है जैसे ही आप लॉग इन करोगे आप सक्सेसफुली इस पेज को देख पाओगे ठीक है सक्सेसफुल लॉग इन नेविगेटेड टू द डैशबोर्ड इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड आपको दिखेगा ठीक है यहाँ पे डिफरेंट नेम कोर्सेस के दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज नेम दिखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट कैम्पसेस दिखेंगे जहाँ पे वो कोर्स ऑफर हो रहा है एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो कि टू थाउजेंड रुपीज़ है फॉर ऑल द कोर्सेज इसके अलावा यू हैव टू अप्लाई नाउ एक्शन पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ जो भी आपका डिज़ायर्ड कोर्स है आपको वो क्लिक करना है है ना उसके अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है ठीक है ओके okay. इसके बाद क्या करना है वैन यूजर क्लिक्स ऑन द अप्लाई नाउ बटन वेन इट ओपन्स एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉपअप विल बी रेड केयरफुली तो एक पॉपअप आएगा उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स विल बी देयर जो आपको उसमें पढ़नी है ठीक है आपको वो पढ़ लेना है एंड देन आपको क्लिक करना है अग्री एंड कंटिन्यू आपको अग्री करने पड़ेंगे सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे एंड देन यू हैव टू क्लिक ह्योर ऑन अग्री एंड कंटिन्यू जैसे ही आप अग्री कंटिन्यू करते हो आपके एक फ़ाइव स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा आपके पास इसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी होती है जैसे आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम अगर कोई है तो लास्ट नेम ईमेल आईडी जो आपने अभी यूज़ करी थी वो इसके अलावा सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स जैसे कि जेंडर नेशनैलिटी स्टूडेंट आधार कार्ड नंबर इसके अलावा कौन से कोटा से आप बिलोंग करते हो अगर आप करंटली इम्प्लॉयड हो या नहीं हो इसके अलावा अल्टरनेट ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप रिलिजन इसके अलावा इफ़ यू आर फ्रॉम पीडब्ल्यू पी डब्ल्यू डी सेक्शन इसके अलावा मोबाइल नंबर इफ़ यू आर डायबिटिक तो डायबिटिक हो तो लगाना नहीं हो तो नो कर देना अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर फ़िल करना है आर यू जे एंड के अगर आप जे एन के से हो तो वो आपको भी फ़िल करना पड़ेगा आपकी मदर टंग क्या है ये सारी चीज़ आपको फ़िल करनी पड़ेगी आपकी ग्रेजुएशन डिटेल इफ़ यू आर ग्रेजुएट अगर आप ग्रेजुएट हो मास्टर्स के लिए एक्सपायर कर रहे हो तो अपनी ग्रेजुएशन डिटेल भी डालोगे राइट अगर नहीं हो तो आपकी जो भी प्रीवियस एजुकेशन है वो आपको डालनी होती है फिर आपको नेक्स्ट करना होता है यहाँ पे आपको अपने एड्रेसेस लिखने होते हैं आप कौन सा एड्रेस लिखोगे जो आपके आधार कार्ड में क्योंकि आप आधार कार्ड नंबर भी डाल रहे हो तो आप अपने आधार कार्ड का जो एड्रेस uh, होगा वो यहाँ पे आप फिल करोगे जैसे कि कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिटी विलेज एड्रेस पिन कोड एड्रेस लाइन्स हो आपका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है इसके बाद आपको क्या फ़िल करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम हैव यू टेकन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दिया है तो डालो अगर गेट का एग्ज़ाम दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी अच्छा कई सारे स्टूडेंट्स अभी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि पिछले साल तक गेट और जे ई एग्जाम के अलावा स्टूडेंट्स एन एफ के थ्रू भी एडमिशन ले सकते थे बट अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में सेलेक्टेड इंजीनियरिंग कोर्सेज़ में सिर्फ जे के रिज़ल्ट के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हैं तो आपको एन एग्ज़ाम नहीं देना है यू हैव टू गेट इन टू दिन एफ थ्रू जे रिजल्ट ओके okay? ये हो गया इसके अलावा आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपके टेंथ के एजुकेशनल डिटेल्स ट्वेल्थ के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके अभी ट्वेल्थ के रिजल्ट नहीं आए हैं तो आपको अपना ट्वेल्थ का रिजल्ट फिल नहीं करना है ठीक है जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपके पास जून तक का टाइम है कि आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दो ठीक है बट आपको ये ध्यान में रखना है आप अभी पेपर दे रहे हो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप मिनिमम कितने परसेंटेज स्कोर कर रहे हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मिनिमम सिक्सटी से सिक्सटी फाइव सेफ स्कोर है डिफरेंट हर एक यूजुअली जितने भी यू जी पी जी कोर्सेस है उसमें फिफ्टी फाइव परसेंट एग्रीट सिक्सटी सिक्सटी फाइव परसेंट एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट है तो इतना आप देख के चलो कि मिनिमम इतना स्कोर कर लो ताकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करो पता चल रहा है कि आप फिफ्टी परसेंट मार्क्स ले आए या फिर उससे भी कम आ गए बॉर्डर मार्क्स से बारहवीं में पास हो रहे हो है ना ट्वेल्थ में भी रिजल्ट आने आएंगे तो वहाँ पे फिर आप इन एलिजिबल हो जाओगे चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम कितना भी अच्छा जाए या कितना भी आपका अच्छा पेपर जाए एंट्रेंस सो so वहाँ पे आप डिसीफाई हो जाओगे क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो रहे हो टेन प्लस टू के रिजल्ट के बेसिस पे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है पेपर अच्छे से अभी बनाना है आपके यू के बच्चों के लिए आपको आपका ट्वेल्थ का पेपर बहुत अच्छे से बनाना है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डालोगे अगर आप ऑलरेडी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन डालोगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी लास्ट सेमेस्टर एग्जाम जिन्होंने नहीं दी है ऑफ कोर्स अभी होने वाली है कुछ मंथ्स में तो आपको भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने का टाइम मिलेगा सो so, आपकी जो भी लास्ट क्वालिफ़िकेशन है आप अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एड करोगे ठीक है देन नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप में भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट एंड देन अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ उसकी फ़ोटो आपकी डिफरेंट uh, मार्कशीट्स है ना टेंथ ट्वेल्थ की ठीक है इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी ट्वेल्थ कर ली है मतलब अगर आप पिछले एक या दो साल में आपने ट्वेल्थ करी है तो आप अपने सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दो है ना क्योंकि फ्रेशर्स के साथ साथ कई सारे ऐसे बच्चे भी एस्पायर कर रहे हैं जिन्होंने एक साल पहले दो साल पहले तीन साल पहले अपनी टेन प्लस टू कंप्लीट करी है ठीक है एंड देन यू हैव टू अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू बिलोंग फ्राम सम स्पेसिफिक रिजर्व कैटेगरी इसके अलावा आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होती है सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं अगर आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं है ना ग्रेजुएट स्टूडेंट जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है जो भी ग्रेजुएट होने वाले हैं सो so, उनमें भी अलग अलग स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं तो अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो आपके सारे सर्टिफिकेट है तो अपने सेमेस्टर का सर्टिफिकेट यहां पे अपलोड करोगे एंड उसके बाद फिर इफ यू आर लाइक फ्रॉम नॉन क्रीमी लेयर और एक्सेट्रा वो आपको ये सारी चीजें यहां पे अपलोड करनी है जैसे ही आप सारी इंफॉर्मेशन अपलोड कर लोगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको डबल चेक करनी है है ना कहीं पे गड़बड़ कर दी हो कुछ है ना प्रॉब्लम हो जाए सो इसको आपको वापस से क्रॉस चेक करना है और यहाँ पे आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके अपना सारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे ये स्टेप स्किप मत करना सबको अपना अपना फ़ील्ड फॉर्म डाउनलोड करके रखना है कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है कुछ भी देखने की ज़रूरत हो सकती है तो इस वजह से एक बार जब आपने सारे एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल कर लिए हो तो उसको डाउनलोड करके रख लेना है ठीक है सो so, आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है एंड देन लास्टली आपको पेमेंट करनी होती है जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी सो so, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस कुछ वीडियोस में बताया है कि आप डिफरेंट ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू अपने फॉर्म फ़ी को पे कर सकते हैं सो so, ऐसा कुछ विंडो ओपन हो जाएगा जब आप फॉर्म फ़ीस को पे करने के लिए ओपन करेंगे वो टैब एंड देन यू हैव टू मेक द पेमेंट जैसे ही आप पेमेंट करेंगे लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बताया है दैट यू कैन पे टू थाउजेंड रुपीज़ पे पर क्लिक करना है एंड देन जैसे ही आप पे करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा मतलब आपने अपनी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दी है अगर आपकी पेमेंट डिडक्ट नहीं हुई है या पेमेंट नहीं हुई है सक्सेसफुल तब तक आपको ये नहीं मानना है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है बिना फ़ी पेमेंट के आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा ठीक है एंड देन लास्टली आप क्या कर सकते हो आप अपने जो आपकी प्रोफाइल बनी है है ना सो अपने प्रोफाइल में जाके आप ये भी देख सकते हो कि आपने एक फॉर्म ऑलरेडी फ़िल कर दिया है कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मल्टीपल कोर्सेज में एलिजिबल हैं तो अगर आपको मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है कि ये नहीं तो ये सही टाइप्स तो आपको क्या करना है फिर से एक नया एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल करना पड़ेगा सेपरेटली एंड यू हैव टू पे एप्लीकेशन फी अगेन ठीक है एक एप्लीकेशन फॉर्म आप दो बार फिल नहीं कर सकते बट डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए यू हैव टू फिल द मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स सेम प्रोसेस रहेगी सारा कुछ आपको सेम प्रोसीड करना पड़ेगा एंड देन लास्टली आप वो कर सकते हो सबमिट एंड जैसे ही सबमिट करोगे यहाँ पे अगर कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हो माई क्वेरी अगर आपने ऑलरेडी कोई क्वेरी पूछी हुई है अपने प्रोफाइल के थ्रू तो वो यहाँ पे दिखेगी एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द डैशबोर्ड डैशबोर्ड में ये दिखाएगा कि अच्छा आपने एक्स वाई जी टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑलरेडी फिल कर दिए हैं तो ये थे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल कर सकते हो ठीक है जैसे कि फ़ॉर एग्जांपल ये जो आपको एक डेमो एप्लीकेशन दिखाया था उसमें थ्री एप्लीकेशन कंप्लीट मतलब ये जो स्टूडेंट है ये जो मॉडल स्टूडेंट है उसने तीन एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल करें ऐसे ही आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल कर सकते हैं और आपने जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हैं वो आपके डैशबोर्ड में दिखेंगे ये आपकी प्रोफाइल बन जाएगी जैसे आप रजिस्टर करोगे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी एंड आप उसको लॉग इन कर सकते हो ये जो पी डी एफ है आप एन एफ एस यू के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड करी हुई है अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो वहाँ से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो इस पी डी एफ को जब कभी भी फॉर्म आप फिल करोगे तो आप स्टेप बाई स्टेप वापस से रिकॉर्ड करके देख लेना कि हाँ ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया लाइक दैट एंड इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मिल जाती है कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करोगे ठीक है इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे भी हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एन एफ एस यू एन एफ ए टी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो अभी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है हमारे कोर्स में जो फर्स्ट फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं उनको टू थाउजेंड रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे कोर्स में हमारे कोर्स में वीडियो लेक्चर के थ्रू सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा पी नोट आपको मिलेंगे सो जो हमारे पी नोट्स हैं अगर आप वो रेफ़र करो आपको कोई बुक कोई नोट्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है वो बिल्कुल भी सफिशेंट होगा आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए तो आपको पी डी एफ नोट्स मिलेंगे सैम्पल एम सी क्यूज मिलेंगे सैम्पल टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन कम्प्लीट हो जाएगी और आप अपने एन एफ एस यू के पेपर तक कंप्लीट रेडी रहेंगे टू फाइट द एग्जामिनेशन ओके सो डोंट फर्गेट टू जॉइन आर क्लासेस अभी ऑफर चल रहा है इट इज़ जस्ट फॉर फर्स्ट फिफ्टी स्टूडेंट सो बी इन दैट ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे अडिया टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो टिल चिल्ड्रेन टेक केयर बाय बाय